प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो लास्ट डे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, तो आज हम कंप्लीट करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन विंडोज। विंडोज को डिफाइन करें। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड GUI, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस फैसिलिटी, मल्टीटास्किंग एंड नेटवर्किंग फीचर्स, एडवांस्ड बिल्ट इन यूटिलिटीज एटसेट्रा। ठीक है, विंडोज जो है वो एक तरह का संचालित करने वाला ऑपरेटिंग संचालित, ठीक है, ऑपरेटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, संचालित, संचालित करने वाला एक तरह का उपकरण है दैट प्रोवाइड, जो हमें उपलब्ध करवाता है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब कि ये, ठीक है, यानी कि सारी की सारी चीजें जो है हमें पिक्चर्स के रूप में नजर आती हैं, उसको बोलते हैं हम ग्राफिकल। यूजर इंटरफेस का मतलब हुआ कि ये यूजर को जो आपस में एक तरह की जो इंटरेक्शन करवाता है, एक तरह की वर्किंग करवाता है, वो पिक्चर्स के जरिए, ठीक है। ये देखो, इंटरेक्शन मतलब चीजों को हमें दिखा रहा है ये, ग्राफिकल्स मतलब पिक्चर्स के रूप में, ठीक है। ये देखो, पिक्चर्स के रूप में सारी चीजें, ये यहाँ पे सारा का सारा ग्राफिकल, ठीक है। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस फैसिलिटी। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है लगाया और चीजों को चलाया। प्लग एंड प्ले, जैसे मान लो पेन ड्राइव है, लगाएंगे तो सीधा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट कर देता है, प्लग एंड प्ले, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई कंप्यूटर पे हमने चीज चलानी होती थी, जैसे CD चलानी होती थी, पेन ड्राइव चलानी होती थी, तो उसका सॉफ्टवेयर हमें पहले डालने पड़ते थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, फिर वो जाके चीजें जो थे वो हमारी चलती थी। जैसे स्पीकर लगाने होते थे तो स्पीकर का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था, ठीक है। प्रिंटर लगाना होता तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर लगाना उसमें डालना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। मल्टीटास्किंग एंड नेटवर्किंग फीचर। मल्टीटास्किंग का मतलब हुआ कि कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही चीज चलेगी एक टाइम में। एक टाइम में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, गाने भी साथ साथ में सुन सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम हम साथ साथ में कर सकते हैं, इंटरनेट हम साथ साथ में इसके ऊपर चला सकते हैं। नेटवर्किंग फीचर्स, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डाटा हम एक टाइम पे, यानी कि बहुत सारे काम जो है एक टाइम पे ही कंप्यूटर पे कर सकते हैं, मल्टीटास्क, बहुत सारे इकट्ठे काम। एडवांस्ड बिल्ट इन यूटिलिटीज, और इसके अंदर पहले से ही बनी बनाई हुई कुछ उपयोगी चीजें, यूटिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं, उपयोगी चीजों को बोलते हैं उपयोगिता, ठीक है। बिल्ट इन मतलब पहले से इसके अंदर डाली हुई, बिल्ट इन, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ विंडोज आर, कुछ एक विंडोज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे विंडोज XP है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 और विंडोज 10, ठीक है। ये विंडोज के कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। वैसे इस कंप्यूटर में जो बड़ा सा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जो बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, वो है विंडोज 10। ये विंडोज 10 हमें इस तरह से दिखाई देती है, ये देखो, ये विंडोज 10 का एनवायरनमेंट है सारा का सारा। ये विंडोज 10 इस तरह से दिखाती है इन सारी चीजों को, ठीक है। इस तरह से क्लिक करते हैं तो इस तरह का इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसकी हमने फीचर्स देखनी हो, इस कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज पड़ी हुई है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हम। ये ऑप्शन होती है उसकी, दिस PC, यहाँ पे हमने माउस का राइट बटन दबाना होता है और फिर यहाँ पे जाके हमने सेलेक्ट करना होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते ही कंप्यूटर के अंदर जो चीजें लगी हुई हैं वो हमें इस तरह से दिखाता है कि इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो इंटेल कंपनी का लगा हुआ है, i3 है, ठीक है, 2.00 GHz का प्रोसेसर है, इसकी स्पीड 2.00 GHz है। इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो 4 GB की है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64-based प्रोसेसर है, ठीक है। और विंडो का नाम यहाँ पे आ रहा है, देखो, विंडोज 10, यानी कि जो बड़ा सा सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर के अंदर डला हुआ है उसका नाम है विंडोज 10। जो इसके अंदर विंडो डली हुई है उसका नाम है विंडो 10, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज, विंडोज के बेसिक उपकरण कौन कौन से हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज आर, विंडो के जो साधारण जो विंडो के जो बेसिक से जो उपकरण हैं वो हैं, पहला है डेस्कटॉप, दूसरा माई कंप्यूटर, तीसरा रिसाइकल बिन, चौथा स्टार्ट मेन्यू है और पांचवा टास्क बार, ठीक है। डेस्कटॉप क्या है, माई कंप्यूटर क्या है, रिसाइकल बिन क्या है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक एक करके आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप इज ए कलर बैकग्राउंड एरिया वेयर ऑल कंप्यूटर आइटम्स अपीयर एज आइकन, ठीक है। डेस्कटॉप क्या है, एक कलर बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड को बोल देते हैं ना, पीछे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड एरिया है, एक बहुत बड़ा कलरफुल बैकग्राउंड एरिया है, वेयर कंप्यूटर आइटम्स अपीयर एज आइकन, जहाँ पे कंप्यूटर की जितनी भी चीजें होती हैं वो एक छोटी छोटी सी आइकन्स के रूप में, यानी कि छोटी छोटी सी पिक्चर्स के रूप में नजर आती है। ये देखो ये है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जब जब कंप्यूटर के अंदर नया ऑपरेटिंग सिस्टम या नई विंडोज डालते हैं तो इस तरह की होती है वो खाली सी, ठीक है। दो तीन चीजें बनी होती हैं, ये देख लो विंडो 10 में देखते हैं, ये जो है ये सामने विंडो 7 का है, विंडो 7 ऐसे दिखाई देता है विंडो 7 के अंदर, ठीक है। ये नीचे स्टार्ट बटन है विंडो का, ये लंबी सी टास्क बार है, ये कलरफुल बड़ा सा जो बैकग्राउंड, इसको बोल रहे हैं कलरफुल बैकग्राउंड एरिया, ठीक है। और यहाँ पे आइकन्स नहीं है लेकिन, ठीक है। ये है देखो, ये विंडो 10 में देख लेते हैं, ये विंडो 10 की टास्क बार है, ये लंबी सी, ठीक है। टास्क बार इसलिए बोलते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो भी काम चल रहे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं नीचे। ये देखो इस टाइम कंप्यूटर पे सारे काम चल रहे हैं, ये टास्क बार के ऊपर जो भी टास्क चला हुआ है वो सारा टास्क बार के ऊपर ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। और ये है इसका स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। इसका स्टार्ट बटन, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट के अंदर कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट मेन्यू के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी सी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं हम आइकन्स, ये होते हैं आइकन्स, ये छोटी छोटी जो पिक्चर्स नजर आती हैं इस कलरफुल डेस्कटॉप बैकग्राउंड एरिया, इसको बोल रहे हैं कलरफुल बैकग्राउंड एरिया, ठीक है। इसके ऊपर कंप्यूटर की सारी चीजें जो है वो छोटी छोटी चीजें जो नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं हम आइकन्स, ठीक है। वी कैन ऑल्सो एड, मूव, रिमूव एंड रीअरेंज दीज आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। वी कैन ऑल्सो, हम एड, वी कैन ऑल्सो एड, हम इसके अंदर एड भी कर सकते हैं और भी एड कर सकते हैं आइकन्स, मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं दीज आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर हम और भी आइकन्स एड कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये है ना डेस्कटॉप, ये देखो ये, ठीक है। इनको बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से हम ऐड करते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई भी आइकन ऐड करना हो तो ये इसके अंदर सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स डलते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू के अंदर। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मान लो इसका आइकन हमें यहाँ पे चाहिए डेस्कटॉप पे, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे बाहर इस तरह से ले आएंगे उठा के इसको, ये देखो ये आ गया बाहर। इनको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं या मूव भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ मूव हो गया, रीअरेंज भी हो जाते हैं, डिलीट भी हो जाते हैं ये, ठीक है। डिलीट करने हो तो डिलीट भी हो जाते हैं, यहाँ से जरूरी नहीं कि नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दिया ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया, वी कैन ऑल्सो एड, मूव, रिमूव एंड रीअरेंज दीज आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। सम कॉमन आइकन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, कुछ एक जो आइकन्स होते हैं ना वो हमेशा डेस्कटॉप के ऊपर ही रहते हैं। जैसे हम नया विंडोज डालते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, नया बड़ा सा सॉफ्टवेयर डालते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर पहले से ये वाले आइकन्स रहते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे आधार है, ठीक कर देता हूँ।
तो इसके ऊपर ये वाले जो आइकन्स होते हैं वो पहले से नजर आते हैं। यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकलमेंट, टास्कबार, स्टार्ट मेन्यू, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और जो विंडो जो पीछे मैंने आपको दिखाया ये विंडो 7 के हिसाब से, और विंडो 10 में ये वाले रहते हैं, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ठीक है, और इसका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये यहाँ पे, बाकी ये सारा का सारा बाहर से डाला हुआ है बाद में, ठीक है। ये चीज आती है विंडोज के अंदर, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है इसके साथ, यहाँ बाकी सारा का सारा खाली होता है यहाँ से, ठीक है। ये दो तीन चार चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाई देती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय आइकन। आइकन से आप क्या समझते हैं, आइकन से आपका क्या अभिप्राय है कि आइकन क्या होते हैं। आइकन इज ए स्मॉल ग्राफिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट और एन एप्लीकेशन। आइकन जो है एक स्मॉल मतलब छोटा सा ग्राफिकल सिंबल है, छोटा सा ग्राफिकल मतलब एक छोटी सी पिक्चर है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट, जो एक डॉक्यूमेंट को या एक एप्लीकेशन को दर्शाती है, ठीक है। आइकन क्या है, एक छोटा सा एक पिक्चर है, छोटा सा पिक्चर का सिंबल है, चिन्ह है, जो डॉक्यूमेंट और एक इसके अंदर जो एप्लीकेशन, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है उसको दर्शाता है। एन आइकन अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन जस्ट बाई क्लिकिंग, ठीक है। आइकन क्या करता है, हमें अलाउ करता है एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन करना है मतलब एप्लीकेशन को चलाना, सॉफ्टवेयर को चलाना या किसी ऐप को चलाना जस्ट बाई क्लिकिंग, क्लिक के ऊपर। जैसे हम आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है मतलब चल पड़ती है, ठीक है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ आइकन इन विंडोज। विंडोज में चार तरह के आइकन होते हैं, ठीक है। इन आइकन की भी कैटेगरी बनाई हुई है, एप्लीकेशन आइकन्स, डॉक्यूमेंट आइकन्स, डिस्क ड्राइव आइकन्स और शॉर्टकट आइकन्स। एक होते हैं एप्लीकेशन आइकन, डॉक्यूमेंट के आइकन्स होते हैं, डिस्क ड्राइव आइकन्स होते हैं और शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के आइकन्स ये जो आइकन्स हमें नजर आ रहे हैं ना, ये वाले ये होते हैं एप्लीकेशन के आइकन्स, और इनके ऊपर जो चिन्ह लगा होता है ना इनको हम शॉर्टकट आइकन्स भी बोल देते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी से कईयों के ऊपर नहीं होते हैं, कहीं के ऊपर नहीं भी बने होते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखो दिस पीसी, ठीक है, इस पे नहीं बना हुआ है इस तरह का एरो, ये भी आइकन नहीं है, लेकिन इनके ऊपर शॉर्टकट भी बना हुआ है और ये एप्लीकेशन के आइकन भी है। एप्लीकेशन क्योंकि जैसे हम डबल क्लिक करते हैं इनके ऊपर, जैसे आप फोन का एग्जाम्पल ले लो, एंड्रॉयड फोन में जैसे हम व्हाट्सएप पे टैप करते हैं या किसी ऐप पे टैप करते हैं वो चल पड़ती है। कंप्यूटर और लैपटॉप में ऐसा है कि माउस से हम डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन आ जाता है, ओपन करते हैं हम, और इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो चल पड़ता है। यस किया और हमारा प्रोग्राम ये देखो चल पड़ा सामने, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक होते हैं एप्लीकेशन आइकन्स और दूसरे होते हैं बोले डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन जो वो होते हैं जो ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइकन, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे एप्लीकेशन आइकन हैं। डॉक्यूमेंट इसके अंदर मैंने जो डाला हुआ है एमएस ऑफिस, उसके जो आइकन हमें नजर आते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक तो ये फोल्डर आइकन्स बने हुए हैं, ये फोल्डर के हैं, ये जो येलो कलर के होते हैं इनको हम फोल्डर्स बोलते हैं, इनको हम फाइल्स बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो इनको हम बोल रहे हैं कि ये कौन से आइकन्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आइकन्स। जैसे हम क्लिक करेंगे इन पे तो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट ओपन होता है, ठीक है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स के आइकन्स। उसके बाद है डिस्क ड्राइव आइकन्स। अब डिस्क ड्राइव के आइकन मैं बताता हूँ आपको, ये दिस पीसी, यहाँ पे ये है दिस पीसी, ठीक है। कंप्यूटर के जो भी ड्राइव्स के आइकन्स हैं वो ये होते हैं, ड्राइव्स के आइकन ये होते हैं। ड्राइव्स कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है ना हमारा, इन सारी ड्राइव्स के अंदर स्टोर होता है। जैसे मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड या उसकी रोम के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर डाटा सारा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के, ठीक है। और हार्ड डिस्क जो हमें नजर आती है इस तरह से नजर आती है फिर, ठीक है। फोन के अंदर तो मेमोरी कार्ड से चल पड़ता है काम, और उसकी बिल्ट इन मेमोरी भी होती है जिसको हम रोम भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होती है हार्ड डिस्क। अब आती है SSD भी आ गई, एक नई टेक्निक, हार्ड डिस्क और SSD। SSD होते हैं जैसे हम मेमोरी कार्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं उनको हम, ठीक है। HDD होता है हार्ड डिस्क, HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिस्क ड्राइव्स के आइकन्स।
सी, इसके अंदर हमारे सारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं, और इसके अलावा हम कंप्यूटर के अंदर गाने, डॉक्यूमेंट्स हो गए या किसी तरह की फाइल्स होगी वो इन ड्राइव्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी सीडी चलती है, डीवीडी यहाँ से चलती है, पेन ड्राइव अगर हम इसके साथ अटैच करें वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, तो वो पेन ड्राइव का आइकन है। ठीक है, तो ये है हमारे ड्राइव्स के आइकन। तो डिस्क ड्राइव आइकन्स हो गया, और शॉर्टकट आइकन्स भी मैंने आपको बता दिए। ये जो एरो लगा होता है ना तीर का, इनके ऊपर, इनको हम शॉर्टकट बोलते हैं। शॉर्टकट तब बोलते हैं ना, देखो यहाँ पे के, ठीक है, यहाँ पे जाके हमने ये, जैसे मान लो ये एप्लीकेशन है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले यहाँ से, यहाँ पे के जैसे ये गूगल क्रोम है, इसका मान लो हमने आइकन जो है वो शॉर्टकट रखना है यहाँ पे, तो इस तरह से क्लिक किया और ड्रैग करके इधर ले, तो ये बन गया इसका शॉर्टकट। अब यहाँ पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएंगे, सीधे क्या करेंगे, यहाँ से इसको चला लेंगे, डबल क्लिक किया और गूगल क्रोम हमारा यहाँ से रन हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट आइकन है एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो ये थे हमारे सारे के सारे आइकन्स। ये हमारा डेस्कटॉप भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये आइकन्स क्लियर हो गए हैं, ये दिस पीसी, इसके अंदर जो ड्राइव्स हैं, सारा डाटा जो जहाँ पर रहता है, ठीक है, दिस पीसी के अंदर रहता है, वो भी आपको क्लियर करवा दिया। ये लंबी सी जो फट्टी होती है जिसपे कंप्यूटर के सारे काम चले होते थे, देखो ये मैंने ओपन किया हुआ था, इस टास्क बार के ऊपर आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको माइनस पे क्लिक किया तो ये मिनिमाइज हो गया। ये देखो कितने सारे प्रोग्राम जो है इसके अंदर चल रहे हैं, मल्टी टास्क तभी बोल रहे हैं, देखो कितने सारे इकट्ठे काम चले हुए हैं इसके ऊपर, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तभी बोलते हैं इसको, मल्टी टास्क, सारे प्रोग्राम्स है, देखो कितने सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं, मिनिमाइज किया, यहाँ से होता है मिनिमाइज प्रोग्राम। देखो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से होता है प्रोग्राम मिनिमाइज, मतलब यहाँ पे चला जाता है टास्क बार के ऊपर, इससे हो जाता है, देखो विंडो, ये विंडो को मैक्सिमाइज कर देती है, छोटी सी थी देखो बड़ा कर दिया इसको, मैक्सिमाइज कर दिया इसने, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन के लिए। और ये क्लोज बटन होता है तीसरा, तीन बटन होते हैं विंडोज के ऊपर, इनको हम क्या बोलते हैं, छोटी छोटी ये विंडोज होती हैं, ठीक है, विंडोज के अंदर छोटी छोटी विंडोज, यहाँ से बंद, इसको मिनिमाइज किया, ये फिर से यहाँ पे चला गया। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।